ओम नमः सिद्धेभ्यो ओम नमः सिद्धेभ्यो ओम नमः सिद्धेभ्यो ओम गुरुन्तारं ओम सिद्धारं ओम वायदियं नमो वच्छायं नमो वै सप्तसां मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौति मंगणि मंगलं कुंद कुंदात्यो जयं धर्मोस्तु मंगलं सर्व मंगल्य मंगल्यं सर्व कल्याण कारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जय कुरुशाश्रिनं जयनं जय कषाय की चर्चा अपनी चल रही है। तीन कषाय की चर्चा अब तक हुई, आज हम लोक कषाय की थोड़ी चर्चा करेंगे। लोक किसे कहते हैं? लालच को। किसी वस्तु को देखकर उसकी प्राप्ति की इच्छा करना, ये लोभ कषाय है। दूसरे शब्दों में लालच को लोभ कहा जाता है। ये जो लोभी व्यक्ति है, जिस भी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा करता है, उसके लिए अपना संपूर्ण तन मन धन एक कर देता है। यहाँ उसकी सारी बातें कही है। जब किसी इष्ट पदार्थ के लाभ की इच्छा होती है, तो ये मन वचन काय से मन से पहले सोचता है ना। मैंने सारी बातें दी, आप पढ़ना इसके अंदर क्या क्या ये जीव करता है। ठीक है, अपन आगे चलते हैं थोड़ा सा। देखिए, इसके लिए अपन ने क्रोध वगैरह में बात की थी क्या क्या है। मैंने लोभी व्यक्ति, सीधी सी बात यह है कि लोभी व्यक्ति को किसी बात का विचार नहीं होता। जब भी किसी इष्ट वस्तु की प्राप्ति की इच्छा होती है, तो ये सब कुछ करने को तैयार होता है। यहाँ तक कि कोई पूज्य बड़े भी आ जाए बीच में, तो ये उनको भी नहीं गिनता। और ये लोभ कषाय इतनी खतरनाक है कि ये स्वयं को, मतलब ये दूसरी कषाय को भी काटती है। तो लोभी होता है ना, लोभी व्यक्ति का दमन, मैंने लोभी व्यक्ति का संयम किन्हीं योगियों के संयम से कम नहीं होता। क्या भरी गर्मी के अंदर खूब गर्मी हो रही भयंकर, और जरा सी दुकान है और लाइट भी चली गई हो, और यदि एसी की दुकान हो तो कितनी गर्मी पड़े उसको इतना आनंद आता है। जो जो ज़्यादा गर्मी पड़ती है, इधर पसीना पसीना निकल रहा है बाहर में, लेकिन अंदर में जो इतनी गुदगुदी उठ रही है, वो सब लोग कह रहे हैं गर्मी कितनी पड़ी होगी, कह रहे हैं क्या इस बार तो कुछ गर्मी पड़ी नहीं। गर्मी पड़ती है तो अंदर में आनंद आता है। और इन लोगों को जिसको धन का अत्यंत तीव्र लोभ होता है, तो उनको ना तो मक्खी चूसने में कोई घृणा का भाव होता है, न खून चूसने में दया का भाव होता है। मतलब उसने, दूसरे शब्दों में कहें तो, सारी कषायों को जीत लिया है। कोई कितना ही उसके ऊपर गुस्सा करे, कितने ही उसको अपशब्द गालियां भी दे, लेकिन उनके चेहरे पर रोष का भाव भी नहीं आएगा, ग्लानी भी नहीं होगी। बस लक्ष्य एक ही है, जिस जिस तरह से ये अपने को धन दे जाए, माल ले जाए। जहाँ तक वो माल ले जाता है, तो उसके बाद में वो कुछ भी बोल जाए, सब कर जाए, कोई दिक्कत नहीं। क्या इसलिए ये क्रोध को भी काटता है, यहाँ तक कि मान को भी पी जाता है। उसको कोई गालियाँ बक रहा है, अपमान कर रहा है, लेकिन फिर भी उस अपमान को सहकर भी वो उसको धन लेने के लिए तैयार। लोग कितने बुरा कहे कि वहाँ कंजूस आदमी है, लेकिन जो असली कंजूस होएगा, सच्चा कंजूस, सच्चा धन का लोभी, वो कभी अपने लक्ष्य से भ्रष्ट नहीं होता। कच्चे होते हैं ना जो लोभी, कच्चे लोभी होते हैं, वो जरा सा सुन सुन के अपने लक्ष्य से भ्रष्ट हो सकते हैं, लेकिन पक्का लोभी कोई नहीं होगा। सब लोग पूरी दुनिया में मिलके उसको कहे कि कंजूस, महा कंजूस, कंजूस मक्खी चूस, लेकिन उसके चेहरे पर कुछ असर नहीं पड़ रहा। अंतरंग में रंच मात्र भी उसके कुछ फर्क नहीं पड़ता कि कहने वाले कहते रहते हैं, अपन तो अपना काम करते हैं। एक कहानी आती है इसके अंदर धन के लोभी व्यक्ति की, वर्तमान योग में। एक सेठ जी, मतलब एक व्यक्ति था, बहुत गरीब आदमी,
एकदम। राजा जो है बड़ी बरसात के अंदर, राजा एक बार छत पे खड़ा होकर देख रहा था चारों तरफ के नज़ारे क्या हो रहा है, तो उसने देखा कि इतनी बरसात में एक आदमी, वो जो गरीब आदमी है बिल्कुल, जिसके वस्त्र एकदम बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो रहे हैं, ऐसा व्यक्ति इतनी बरसात में भी, बाढ़ जा रही है नदी के अंदर, वहाँ भी वो लकड़ियाँ बिन रहा है। जब बाढ़ आती ना तो नदी के अंदर लकड़ियाँ खूब आ जाती, पेड़ वेड़ को गिरा देती आसपास के, तो लकड़ियाँ बहने लगती, तो वो लकड़ियाँ इकट्ठी कर रहा। तो उसको बहुत दया आई, उसने कहा कि हमारे राज्य में इतने गरीब लोग रहते हैं बेचारे, कि उनको ऐसी बरसात के अंदर भी मौत की कीमत पे भी लकड़ियाँ इकट्ठी करनी पड़ रही, इतनी समस्या, मतलब पैसे, आदमी को मौत की कीमत पे लकड़ी इकट्ठी करने जाना। वो कहता है अपने सैनिकों को, कह इनको बुला के लाओ भैया, इनकी समस्या का समाधान करो। तो वो उनको बुला के लाता, बोले भैया तुमको कितना, मतलब कितनी कितनी तकलीफ है, काहे के लिए तुम इतनी लकड़ियाँ इकट्ठी कर रहे हो, हैं क्या चाहिए तुम्हें, बताओ क्या चाहिए। तो बोले साहब मेरे पास में एक बेल तो है लेकिन दूसरा बेल नहीं है, और दो बेल हो जाएंगे तो मेरी जोड़ी पूरी हो जाएगी, तो मेरा काम चल सकेगा, तो मेरा एक बेल आप दिलवा दीजिए। तो राजा कहता सही बात है भाई, मेहनत करने को तैयार है आदमी, इसको एक बेल तो है, एक बेल और दिलवा दो। तो बोले बताओ तुम्हारा एक बेल कैसा है, जरा इनको बोले भंडारा घर को बुलाया, बोले इनको जितने भी अपने यहाँ के बेल हैं दिखा दो, और जो भी कोई ये बेल ये मांगे इनकी जोड़ी के हिसाब से वो बेल इनको दे देना, यदि अच्छा भी मांगे तो उसकी चिंता मत करना, इनको दे दो। ठीक है, सारे बेल दिखाए उसने, उसने कहा नहीं मेरा बेल तो इनमें से एक भी नहीं है, ऐसा बेल तो मेरा जैसा है वैसा यहाँ है ही नहीं। तो बोले तुम्हारा बेल और क्या, अच्छे से अच्छे बेल दिखा दिए, राजा के बेल दिखा रहे हैं, अब तुम्हारे पास और कौन सा ऐसा बेल है जो यहाँ नहीं है। तो कहता है कि आपको इसके लिए मेरे घर आना पड़ेगा। तो राजा के पास खबर पहुँचती है कि भैया उसको कोई बेल ही पसंद नहीं आ रहा है। राजा कहता है ऐसा कैसा बेल है, जरा हम भी देखें इसका कौन सा बेल है। बोले इसे घर चलते हैं, घर गए उसके, तो देखा तो घर तो बिल्कुल आलीशान घर, उस घर के अंदर एक रत्नों का बेल था, और उस रत्न के बेल की जोड़ी पूरी करने के लिए वह सेठ जी जो है बरसात के अंदर लकड़ी बीनने का काम करे। सेठ जी ने कहा कोई बात नहीं, इस रत्न के बेल की भी अपन जोड़ी पूरी करवाते हैं। देखा तो रत्न की कीमत पता करी तो बोले पूरा खजाने का भी धन निकाल लेंगे तो भी इसकी जोड़ी पूरी नहीं हो सकती। उन्होंने उसके हाथ छोड़ दिए, भैया तेरा बेल तो हम नहीं करवा सकते। लुब्धक सेठ की कहानी आती है अपनी जिनवाणी के अंदर है, लुब्धक सेठ धन का इतना तीव्र लोभी। तो ऐसे संसार के अंदर ये कषाय सबसे ज्यादा, इसका इसकी तीव्रता मानी गई, सबसे अधिक समय तक रहने वाली कषाय है ये। सबसे अंत में यदि कोई कषाय जाती है तो वो लोभ जाती है, क्रोध पहले ही चले जाता है, मान पहले चले जाता है, माया पहले चली जाती है, लोभ सबसे आखिरी तक बना रहता है, और लोभ का काल भी अधिक है। अन्य तीन कषायों की अपेक्षा लोभ कषाय में रहने का काल जीव का अधिक है, इसलिए आचार्यों ने इसकी लोभ की खूब निंदा की है कि भाई इस लोभ के वशीभूत होकर ये अपने माता पिता को मार डालता है, इष्ट गुरुजन हो बीच में कोई आए किसी को नहीं गिनता। कहते हैं यदि आदमी अपनी दुकान पर बैठा हो जोड़ी, उसकी सगी माँ भी आए अपनी बहन के गहने बनवाने, तो वो उसमें भी खोट किए बिना नहीं रहेगा, कहेगा कि ये तो दुकान की बात है, घर के अंदर जो होगा व्यवहार वो देख लेंगे, इन दुकान का काम तो दुकान से ही चलेगा। तो ऐसी इस लोभ कषाय की दशा है। अब अभी अपन ने जितनी भी ये लोभ समझे सब धन की अपेक्षा से समझे, सारे धन के लोभियों के अपन ने दृष्टांत दिए, लेकिन वास्तव में लोभ केवल धन का ही नहीं होता। यदि कोई आदमी उदार भी हो समझ लो, और आपको खूब अच्छे से खाना पीना भी करा दे, खर्च भी कर दे, तो भी जिनवाणी माँ उसको कोई निर्लोभी का सर्टिफिकेट नहीं दे देगी कि ये व्यक्ति निर्लोभी है, क्योंकि लोभ अकेला धन का ही नहीं होता, लोभ अनेक प्रकार का होता है। धन का लोभ तो केवल अपन जैसे कहें रुपये पैसे का लोभ तो केवल हिंदुस्तान तक सीमित है, डॉलर का लोभ अमेरिका तक सीमित है, और रुपये मतलब करेंसी का लोभ तो केवल मनुष्य गति तक सीमित है। त्रियंशों में है क्या करेंसी का लोभ,
त्रियंचो के आगे है सौ सौ के नोट, सौ सौ के हजार हजार के नोट, गाय माता आवे तो एक थाली के अंदर हजार रुपये के हजार हजार के नोट रख के उसको दे, ले तू भी खा ले आज, और सूंघ के उसको चल जाएगी, इतना सा कागज भी नहीं छुएगी, और घास होगी ना तो घास के ऊपर टूट पड़ेगी, तो उसमें है क्या, ना तो रुपये पैसे का कोई बहुत अच्छा रूप है, ना उसकी कोई गंध है, ना उसका कोई स्पर्श अच्छा है, क्या ना उसका रस अच्छा है, उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसके जिस जो है जिसके ऊपर आदमी लुभाए, उसमें जो लुभाने की चीज़ है वो क्या है मालूम है, कि उसके माध्यम से हमको पांच इंद्री के विषय भोगों की प्राप्ति होती है, और उसके माध्यम से अपनी थोड़ी कषायों की पूर्ति हो जाती है, इसलिए रुपये पैसे का लोभ है। रुपये पैसे का लोभ रुपये पैसे के लिए नहीं है, रुपये पैसे का लोभ तो वास्तव में उससे जो चीज़ प्राप्त होती है उसके लिए है, उसका लोभ है। अभी वही हजार रुपये का नोट चलना बंद हो जाए तो उस रुपये को कौन लोभ करे, रद्दी के भाव भी कोई नहीं खरीदे, तो असल में उसकी अपने आप में कोई कीमत नहीं, वो तो केवल एक अपने विनिमय का साधन है, उसके माध्यम से जो चीज़ प्राप्त हो रही है लोभ तो उसका है। क्या प्राप्त होता है उससे, दो चीज़ें प्राप्त होती हैं, एक तो हमारे पांच इंद्रिय के विषयों की पूर्ति होती है, और दूसरा हमारी कषायों की पूर्ति हो जाती है। कषाय की पूर्ति मतलब किसी को सम्मान करवाना हो, अपना अपने को बड़ा करवाना हो, बड़ा मनवाना हो लोगों से, परिग्रहधारी का सर्टिफिकेट लेना हो, बड़े आदमी कहलवाना हो, तो लोग में मूर्खों से बड़े आदमी कहलवाने के लिए एक तो उसका उपयोग होता है, दूसरा उसका उपयोग क्या होता है, पांच इंद्रिय के विषयों की पूर्ति के। अब आचार्य कहते हैं कि भाई ये पांच इंद्रिय के विषयों का लोभ जो है यही वास्तव में असली लोभ है, अथवा कषायों की पूर्ति करना वो असली लोभ है, और विषयों की दुर्दशा का चित्रण तो हमने खूब किया है, एक एक इंद्रिय के विषय का गुलाम इतना दुखी है कि वो मौत की कीमत पर भी विषय भोग भोगने को छोड़ने को तैयार नहीं है ना, पांच इंद्री के गुलाम की कहानी, तो एक एक इंद्री के गुलाम की दशा है, तो पांचों इंद्री के विषयों की गुलामी की क्या दशा होगी, और ये तो पांच इंद्री के विषय के जो गुलाम हैं उनके लिए ये विषयों की पूर्ति कर रहा है, जिनको विषयों की आवश्यकता ही नहीं है उनके लिए धन क्या करेगा, क्या जिसको रसना इंद्री का बीमार, जिसको बीमारी हो यूं कहें, दवाई किसके लिए काम की है, बीमार आदमी की, और जिसको बीमारी नहीं है उसके लिए दवाई की क्या जरूरत है, इसे धन किसकी, धन की आवश्यकता किसको है, जो इंद्री के विषयों से पीड़ित है उसको, और जो इंद्री विषय से पीड़ित ही नहीं है उसके लिए धन क्या करेगा, जो कषायों से पीड़ित ही नहीं है उसके लिए धन क्या करेगा, जिन वस्तुओं की पूर्ति धन से होती है वो सारी तो वस्तुतः अंतरंग की बीमारियां हैं, जिन कषाय की और इंद्रिय विषयों की इच्छाओं की पूर्ति होती है वो इंद्रिय विषय और कषाय उत्पन्न नहीं हो तो सबसे बढ़िया है, ना कषाय होगी ना इंद्रिय विषय होगी ना उसकी पूर्ति की आवश्यकता पड़ेगी, ना बीमारी होगी और ना उस बीमारी का इलाज करना पड़े, तो अपन अपने इंद्रिय विषयों की इच्छाओं की पूर्ति में लगे हुए हैं, और इन इंद्रिय विषयों की इच्छाओं की पूर्ति के लिए धन इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। अब पहली बात तो इन इंद्रिय विषयों की इच्छा कभी किसी की पूरी हुई नहीं है, होगी नहीं, कितने ही धन इकट्ठा कर लो, और जितना उपाय हमने धन इकट्ठा करने के लिए किया उसका अनंत भाग भी उपाय यदि हम विषयों की इच्छा का अभाव करने के लिए करते तो धन की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, और कषाय की मंदता का उपाय करते तो धन की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। जिसको नाम चाहिए और भोग चाहिए धन तो उसके लिए कार्यकारी है, मुनिराज के लिए धन कितना कार्यकारी है, क्यों नहीं उनके, उनको क्यों आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो धन जो काम करता है
वो काम करने का मतलब उस काम की उनको इच्छा उत्पन्न ही नहीं होती। और मिलता क्या है धन से? पांच इंद्री के विषय भोग के अलावा और कुछ नहीं मिलता। तो उन्होंने पांच इंद्री के विषयों को जीत लिया, तुच्छ कषायों की पूर्ति होती। उन्हें कषाय इतनी तीव्र है ही नहीं कि उसकी पूर्ति के लिए उनको धन की आवश्यकता लगे। तो उनके सहज बीमारी नहीं है तो उसका इलाज करने की उनको जरूरत नहीं है। और हम जो कर रहे हैं काम जो धन से, वो वास्तव में बीमारियों की मतलब बीमारियों की दवाई ले रहे हैं। लेकिन वो दवाइयाँ भी ऐसी है कि जो हमारी बीमारी पूरी तरह से ठीक नहीं कर पाती, बल्कि जो जो हम दवाई लेते हैं त्यों हमारी इच्छाएं विषयों की ओर बढ़ती जाती हैं। पांच इंद्री के विषय की गुलाम तो अपने शास्त्र में पढ़ी ना, स्पर्शन इंद्री के लिए कौन है प्रसिद्ध बताए? तो कितनी बार बताए, स्पर्शन इंद्री के लिए हाथी, रसना इंद्री के लिए मछली, घ्राण इंद्री के लिए भौरा, चक्षु इंद्री के लिए पतंगा, कर्ण इंद्री के लिए हिरण, स्पर्शन इंद्री के लिए कैसे है? स्पर्शन इंद्री का गुलाम हाथी है। किस प्रकार से? कि हाथी को हथिनी का स्पर्श करने की इच्छा होती है और उसके लिए वो बंधन में पड़ जाता है। तो इंद्री विषय की गुलामी से हुआ ना बंधन में। रसना इंद्री का लोलुपी कौन होती? मछली। और जरा सा दाना डालो उस दाने के चक्कर में अपने आप को जाल में फंसवा लेती। ऐसी घ्राण इंद्री का लोलुपी कौन है? भौरा। गंध सूंघने के लिए कमल के अंदर ही बंद हो जाता है। और चक्षु इंद्री का लोलुपी पतंगा, रूप देखने के लिए आग में घुस जाता है। और कर्ण इंद्री का लोलुपी है हिरण, जो शिकारी के संगीत को सुनने के लिए उसी के पास चले जाता है और बंधन में पड़ जाता है। जब एक एक इंद्री विषय की गुलामों की ये दशा है तो सोच लो कि जिनको पांच इंद्री के विषयों की गुलामी, उनकी क्या दशा हो। और ये जो धन का लोभ है इतना तीव्र होता है कि इसके लिए आदमी कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। जो ग्रहित मिथ्यात्व का सेवन होता है, ग्रहित मिथ्या मैंने कुदेव कुशास कुगुण का सेवन, उसकी जड़ ये है। जड़ कैसे ये है कि जो जिस चीज का उपाय है वो उसका उपाय न करके जो उपाय नहीं है उनको भी उपाय मानना, ऐसी मिथ्या बुद्धि जब जीव का तीव्र कषाय होती है तब ये सब चीजें मन में उसके उत्पन्न होती है। मैंने जिसके मन में तीव्र लोभ होगा वो जो धन कमाने के जो उपाय होंगे उनको छोड़कर अन्य जो उपाय नहीं है उनको भी कोई उपाय बताए तो उसका भी सेवन करने लग जाए। फलाने देवी देवता की पूजा करने से खूब पैसा आता है, बस ये बात सुनी कान में, अब ना विचार करने की जरूरत है ना चिंतन करने की जरूरत है, बस आता है ना पूजना चाल। तो अंदर में असल बीमारी तो वो धन के प्रति तीव्र लोभ है उसकी वजह से कि वो कहीं भी चद्दर चढ़ाने के लिए तैयार है। तो उसकी इस बीमारी को लोगों ने अच्छे से भुनाते हैं। यदि अंदर में वो बीमारी नहीं हो, भाई मुझे धन की आवश्यकता ही नहीं है, मुझे तो धन का अभाव मतलब धन की तृष्णा का अभाव कैसे हो, मैं तो इस बारे में विचार करता हूँ, और मतलब मुझे तो निर्लोभीपना कैसे आवे, संतोष कैसे आवे, मैं तो मेरा उपाय तो इसकी तरफ है। तो वो अपने आप ऐसे भगवान को ढूंढेगा, ऐसे गुरु को ढूंढेगा जिनके अंतरंग में लोक कषाय का अभाव हो चुका होगा, और सहज में वो वीतरागी भगवान के पास जाएगा, वीतरागी गुरु के पास जाएगा, निर्ग्रंथ गुरु के पास जाएगा। और नहीं तो क्या करेगा, कहाँ मिल सकता है, जहाँ मिल सकता है। पंच इंद्री के विषयों की लालसा है ना अंदर में, और पंच इंद्री के विषय की लालसा करती क्या है, उसके पांच इंद्री के विषयों की तृष्णा को बढ़ाती है। क्योंकि एक नियम है कि भोग जो जो मिलते हैं त्यों त्यों भोग भोगने से तृष्णा नष्ट नहीं होती, बल्कि भोग भोगने से तृष्णा और बढ़ती जाती है। पांच इंद्री के विषय भोग ऐसे ही है, अतृप्ति कारक है, कितने ही भोग लो लेकिन उनको भोगने से कभी तृप्ति नहीं होती। वास्तव में उनकी इच्छा मिटने से, उनमें सुख बुद्धि मिटने से ही उसकी तृप्ति होती है। तृप्ति मतलब
जब उसको भोगने की इच्छा समाप्त होती है तो जीव अपने आप अंतरंग में तृप्त हो जाता है, और जब तक भोगने की इच्छा बनी है तब तक वो निरंतर अतृप्ति अतृप्ति उसको बनी। आज तक कोई जीव पांच इंद्रिय के विषय भोगों से तृप्त नहीं हुआ, स्वर्ग स्वर्ग के अच्छे से अच्छे विषय भोगों ने जीव को तृप्त नहीं किया। अरे चक्रवर्ती अपने भोगों से तृप्त नहीं होता, नारायण प्रति नारायण बलभद्र जैसे महापुरुष जीव भोगों से तृप्त नहीं होते तो ये सामान्य मनुष्य की क्या बात है। नारायण होते तीन खंड के राजा, 18,000 स्त्रियां होती हैं उनके, तीन खंड के राजा, ऐसे प्रति नारायण भी तीन खंड के राजा होते हैं, लेकिन पांच इंद्रिय के विषय भोग की लालसा समाप्त नहीं होती। राज्य अवस्था में मरते हैं और नियम से मर के नरक जाते हैं, नियम से, कोई दूसरी गति नहीं होती, अंत समय तक भोग छोड़ने में समर्थ नहीं होते। तो कहते हैं कि ये भोगों की तृष्णा तो इतनी बुरी है, ऐसा जानकर इसकी लालसा को छोड़ो, तो पांच इंद्रिय के विषय भोग की लालसा छूट जाएगी तो स्वयं धन की लोभ, धन की लालसा, धन का लोभ अपने आप कम होगा। उसकी मूल बीमारी तो वो है, जो लोग कहते हैं साहब मैं तो ऐसे ही कमा रहा हूँ, मेरे को ऐसे तो कोई इच्छा नहीं। अरे इच्छा क्या नहीं है, अंदर में पांच इंद्रिय के विषय भोग की इच्छा पूरी पड़ी हुई है। सर मेरे पुण्य के उदय से आ रहा है, लेकिन ले तो तू रहा है ना, पुण्य के उदय को भोगने का भाव पुण्य भाव है कि पाप भाव है, क्या ज्यादा विद्वान हो गए? कोई चीज आ रही है, ग्रहण तो तू कर रहा है ना, और तेरे को यदि विषय की इच्छा नहीं है तो तू काहे के लिए ग्रहण कर रहा है? जब विषयों की लालसा समाप्त हो गई तो फिर इस धन की आवश्यकता किसे? धन को संचय वही करेगा जिसके अंतरंग में विषयों की लालसा कहीं ना कहीं बनी हुई होगी, या तो विषयों की लालसा होगी अथवा तो कषायों की लालसा होगी। कषाय की लालसा माने कषाय पूर्ति की इच्छा। देखो इसके अंदर अपन थोड़ा सा इसके शोध धर्म के अंदर क्या लिखा है इसको थोड़ा सा विचार करते हैं। तब ये उत्तम शोध धर्म के अंदर इसमें तो खैर कुछ नहीं आपको दिखेगा नहीं है, पूजा की किताबें आज भी निकाली अपन, पूजा की किताबें होगी ना रखी हुई है, पूजा की किताबें निकालो तब तक अपन दूसरी चर्चा कर लेंगे। इसके अंदर एक पॉइंट और आया है कि ये लोक कषाय सबसे अंत तक रहती है, मैंने बताया था ना पहले, सबसे आखिरी में जाती है लोक कषाय अंत में। दूसरा पॉइंट क्या है, ये लोक दूसरी कषायों को भी दबा देती है, क्रोध मान माया सबको दबा देती है, यहां तक कि एक लोक दूसरे लोक को भी दबा देता है। यश का लोभ हो जाए तो धन, मतलब यश का धन का लोभ हो यश के लोभ को बिठा दे, यश का लोभ हो तो धन के लोभ को भी बिठा दे, मैंने लोभ ना केवल दूसरों को काटती है अपितु अपने स्वयं को भी काटती है, और ये लोभ की पूर्ति के लिए सारी कषाय करता है, छल कपट करता है, लोभ की पूर्ति के लिए छल कपट करता है, और पूर्ति में विघ्न आवे तो उसको क्रोध मान उत्पन्न हुए बिना नहीं रहता है। मेरे लिए नहीं चाहिए, मेरे को तो याद है, मैं तो दूसरों लोगों के लिए कह रहा था, सब लोगों के लिए कह रहे थे अपन, सब लोगों के। तो मैं पढ़ता हूँ आप तो सुनना, खैर जिसको याद होगी सोच धर क्या है, देखो सोच सदा तीर दोष धर्म बढ़ो संसार में, धरि हृदय संतोष करो तपस्या देह सो, धरि हृदय संतोष हृदय में संतोष धारण करके करो तपस्या देह सो, मैंने यदि तुम शरीर से तपस्या भी करो तो सबसे पहले हृदय में संतोष धारण करो। यदि संतोष धारण नहीं किया है, बड़ी से बड़ी भी तपस्या की है तो वो तपस्या निरर्थक है, क्योंकि सबसे बड़ी तपस्या ही संतोष है। क्योंकि तपस्या भी यदि विषय भोग के लिए करे वो करता ही है ना, तपस्या के अंतरंग में भी ये अभिप्राय बना रह सकता है कि ये तपस्या करने से मेरे को पुण्य का बंध होगा और उस पुण्य के फल में मेरे को पांच इंद्रिय के विषय भोग की सामग्री मिलेगी। तो असल में वो तपस्या भी जो किया है वो तपस्या भोग के छोड़ने के लिए नहीं किया है, अपितु आगामी काल में भोगों की प्राप्ति के लिए किया है।
दो तरह के लोग होते हैं, एक तो उस तरह के लोग होते हैं कि भाई हाथों हाथ खा लो, पैसा आया तो खा पी के मजा करके उड़ा लो। दूसरे होते हैं कि नहीं नहीं नहीं, अरे भाई आगे के लिए कुछ जोड़ के रखो, इसको इन्वेस्ट कर दो इसको। तो अब बताओ धन की मतलब दोनों कोई धन की इच्छा तो है ना, इसको भी धन की इसलिए इच्छा अभी खर्च करने के लिए और इसको आगामी काल के अंदर खर्च करना चाहिए, तो दोनों को एक को पांच इंद्री के विषय भोग अभी चाहिए तो उसको धर्म भी कहते हैं कि भैया ये पांच इंद्री के विषय भोग छोड़ो छोड़ो छोड़ो, छोड़ने में धर्म होएगा, लेकिन तो भी वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं होकर। किसने देखा आगे का, मैं तो जो है आज के आज जो मिला है उसको भूलना चाहता, कल की जिंदगी किसने देखी, किसने देखी देव पर्याय, वो किसने देखा मोक्ष, किसने देखा स्वर्ग, अपने तो यही आजकल की जो है दो दिन की जिंदगी चार दिन की जिंदगी है, उसमें जितना यश कर सकते हो कर लो। एक तो वो जीव तो वो तो वर्तमान में भी इंद्रिय विषय भोग छोड़ने को तैयार नहीं। अब दूसरा किसी ने जिनवाणी पढ़ी तो उसने उसमें पढ़ा कि भैया यहाँ पे एक स्त्री छोड़ो तो स्वर्ग में 32-32 स्त्रियां मिलती है, पढ़ के मुंह पानी आ गया उसने कहा यहाँ तो एक का वास्तव में ठिकाना भी नहीं है अभी, वो कैसी मिले क्या नहीं मिले हैं, और वहाँ तो आज्ञाकारी मिलती है यहाँ तो एक आज्ञा नहीं मानती। तो उसने कहा भाई कोई बड़ी बात नहीं है, अपन इस भाव के अंदर 10-20 साल के लिए छोड़ने को तैयार है। वो कैसे तैसे करके उसने 10-20 साल के लिए छोड़ भी दी, लेकिन वो छोड़ी हुई कही कि उसने छोड़ी वोड़ी कुछ नहीं है, उसने 32 पकड़ने के लिए एक छोड़ी क्या। इसलिए जिनवाणी में कहा है कि सबसे पहले विषयों में सुख बुद्धि छूटनी चाहिए, आदमी विषयों में सुख बुद्धि नहीं छूटी हो तो वो तपश्चरण भी हो सकता है विषय सुख के लिए कर ले क्या। इसलिए अंतरंग में संतोष हो गए, संतोष माने हमें जो भी चीज मिली है वो सर्वोत्कृष्ट, जो भी मिली है उसमें हमारा संतोष है और हमें बहुत कुछ मिला है। सबसे अच्छी चीज तो हमारे को पांच इंद्रियां मिली है, मन मिला है, इससे बढ़िया और चीज क्या है। हम पांच इन बाहर की चीज़ों के लिए भटकते हैं, हैं रुपये पैसे के चक्कर में रात दिन एक करते हैं, अरे हमारे को इससे मनुष्य बढ़िया मिली और अपने हित का अवसर मिला, इससे बढ़िया चीज़ और क्या हो सकती है। अपने को विचार करने की शक्ति मिली, विवेक मिला, ज्ञान मिला, इससे बढ़ के कोई चीज़ हो सकती है। अरे जिनवाणी तक कहती है धन कन कंचन राज सुख सब ही सुलभ कर जाम, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान की किसी से कीमत नहीं है। तीन लोग की संपदा एक तरफ रखो और सच्चा ज्ञान एक तरफ रखो, कीमत किसकी अधिक है, सच्चे ज्ञान की। इसलिए उन्होंने कहा कि भैया संतोष रख के करो, तपस्या भी करनी है तो अंदर में चित्त में संतोष होना चाहिए। यदि तपस्या करके भी तुम्हारे चित्त में संतोष नहीं है, आगामी विषयों की इच्छा है कि आगामी काल में मिले, अभी तो नहीं मिल रहे लेकिन आगामी काल में मिले, तो विषय की अभिलाषा तो बनी हुई है, लालच तो पूरा बना हुआ है, संतोष कहाँ है। इसलिए सबसे पहली चीज क्या कही, धरी हृदय संतोष करो तपस्या देह सो, सोच सदा निर्दोष धर्म बड़ो संसार में। सबसे बड़ा धर्म है ये, कौन सा, सोच धर्म, क्योंकि ये लोक कषाय के अभाव पे आदमी बिल्कुल परम पवित्र हो जाता है। सोच माने शुचिता पवित्रता, लोक गई माने चारों चली गई, क्योंकि लोक सबसे अंत में जाती है, वो गया माने सब गई, सब गया माने आत्मा परम पवित्र हो गया, परम शुचि हो गया। इसलिए उन्होंने कहा इससे सबसे बड़ा धर्म है, चारों कषाय में लोक कषाय का अभाव सबसे बड़ा धर्म है। सोच सदा निर्दोष धर्म बड़ो संसार, उत्तम सोच सर्व जग जाना लोभ पाप को बाप, लोभ पाप का बाप। सारी दुनिया में कहा है कि एक लोभ ऐसा है जो सारे पापों की जड़ है। लोभी व्यक्ति क्या नहीं करता, हिंसा करता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है, परिग्रह जोड़ता है, सारे दोष जितने हैं वो लोभी लोभ से सारे उत्पन्न हो जाते हैं। आशा पाश महा दुखदानी सुख पावे संतोषी प्राणी, आशा रूपी पास, पास मतलब समझते हैं फांस होती है ना, फांस तो इतनी सी भी फांस होती है वो तो चित्त को भयंकर दुखी करती है। उसमें आकिंचन धर्म में आता है, चाह लंगोटी की दुख भाले, लंगोटी की भी इच्छा जीव को दुखी कर देती है। आशा की इतनी सी भी पास हो किसी वस्तु की आशा तो चैन से नहीं बैठने देती, धर्म काले में नहीं लगने देती, वो निरंतर उसको सताती रहती। इसलिए कहा आशा पाश महा दुखदानी और सुख पावे संतोषी प्राणी, जिसके हृदय में संतोष है धर्म करने का अधिकारी भी वही है, सुखी होने का अधिकारी वही। सुखी कौन है, अधिक पैसे वाला कि संतोषी,
सुख की परिभाषा अपन काय से निकालते हैं, तो बहुत पैसे वाले इसलिए सुखी है। इस गांव के अंदर इतने लोग सुखी और इतने दुखी, तुमने कैसे जाना? मैं सबके मकान देख रहे कैसे तो मकान उसके सुख दुख का नाप है, पैमाना है, उसके अंदर की कषाय उसके सुख दुख का नाप है। तो जिसके अंतरंग में संतोष है, कषाय की मंदता है, वो सुखी है बाह्य दृष्टि से, मतलब वैसे तो कषाय के अभाव में सुखी है, लेकिन फिर भी मंदता है तो कम दुखी, और कषाय की तीव्रता है तो दुखी। इसलिए कहा सुख पावे संतोषी प्राणी। और बाकी तो आगे जितनी भी चर्चा है वो सब इस बात की है कि भैया आदमी पवित्र होता है वो लोक कषाय के अभाव से होता है। अंतरंग पवित्रता ही जैन दर्शन में पवित्रता मानी गई है। कषायों के अभाव से जो पवित्र हुआ है वो असली पवित्र है, शरीर की पवित्रता को पवित्रता नहीं माना गया है। मुनिराज यद्यपि नहाते नहीं, शरीर पे पानी नहीं ढोलते, तो भी वे परम पवित्र है। और ये दिन दिन में दो दो बार नहाने वाला हो भले, और गर्मी के दिन में तीन तीन बार नहाए, ठंड में खेल एक बार नहाए, जो भी है, लेकिन ये तीन तीन बार नहाने वाला व्यक्ति भी इसकी काया कितनी कर ले, ये न तो ये काया से पवित्र है न आत्मा से पवित्र है, क्योंकि देह तो सदाकाल अपवित्र ही है, तीन बार नहाने धोने से ही पवित्र नहीं होती, और आत्मा काय से अपवित्र है कषायों से। और वे मुनिराज भले देह से नहाते नहीं, शरीर पर पानी नहीं डालते, लेकिन अंतरंग में कषाय नहीं होने से वे क्या है, परम पवित्र है। इसमें दिया आगे, बहु देह मेली सुगुण थेली शोच गुण साधु लहे। देह तो मेली है, लेकिन कैसी ये देह, इस देह की कीमत कैसे, सुगुण थेली, इस देह में गुणों की थेली रूप आत्मा बसता है, उससे उसकी कीमत है। देह की कोई कीमत नहीं है, कीमत काय की है, गुणों की थेली रूप आत्मा से। और इसीलिए वो गुणों की थेली रूप आत्मा की कीमत होने से सोच गुण साधु लहे, कि सोच को माने पवित्रता को किसने प्राप्त किया है, मुनिराज। क्यों? क्योंकि उनके अंतरंग में तीन कषाय चौपड़े के अभाव रूप शुद्धता पवित्रता शुचिता, इससे वे परम पवित्र है। और जो तीन दिन बार नहाने वाले वे वहां अपवित्र है। प्राणी काय से शुचि होता है, काय से पवित्र प्राण, प्राणी सदा शुचिशील जप तप ज्ञान ध्यान प्रभाव से, शील के प्रभाव से प्राणी सदा शुचिशील से जप से तप से ज्ञान से और ध्यान से, पांच चीजों से पवित्र होता है। आधे आधे घंटे बाथरूम में नहाने से नहीं होता, नहीं शरीर को रगड़ रगड़ के और काय काय के फिल्मी सितारों का साबुन और कौन कौन से साबुन, पता ही नहीं क्या कहाँ जा रही है। लोगों की बुद्धि ऐसी फिरी हुई है, खुद की भी तो किराए की बुद्धि है सारी, की खुद की भी है थोड़ी बहुत, अरे भाई तू कितने ही कर ले, ये शरीर तो अपवित्र का अपवित्र ही रहने वाला है। तूने इस शरीर के लिए जितना अमूल्य अपना जीवन दिया वो उसका नुकसान जरूर किया तूने, दे तो वापस से अगले दिन वापस ऐसी हो जाएगी। यदि ये साबुन तेरे को पवित्र कर देगा तो कल वापस लगाने की जरूरत क्या है, इसको पवित्र कर दिया ना इसने, वही तो सब नुकसान करते हैं सारे साबुन पाबुन जितने भी ये सब। खैर अपनी वो अलग बात है, अपनी बात तो ये कि शरीर तो सदा काल अपवित्र का अपवित्र ही है। देह को तुम कितने ही साबुन से निला लो, काय कोई सी भी क्रीम से निला लो, कुछ भी लगा लो उसके ऊपर, देह कभी पवित्र होने वाला है नहीं। पवित्रता उत्पन्न करनी होगी तो कषायों के अभाव से पवित्रता होगी, ये सब पांच चीजों से होगी। शील से ब्रह्मचर्य से पवित्र है ब्रह्मचारी, उसको स्नान की आवश्यकता नहीं, क्या उनके लिए पूरा स्नान, थोड़ा भी स्नान करें, मुनिराज है ना, मुनिराज को स्नान की आवश्यकता क्यों नहीं होती, क्योंकि परम पवित्र है ब्रह्मचर्य से पवित्र है। और कैसे शील जप, जप माने पंच परमेष्ठी का जाप करने से, कहाँ लिखा है साहब पंच परमेष्ठी का जाप करने से पवित्र है, लिखा है रोज पढ़ते होते हैं, पढ़ते ही नहीं पढ़ते रोज, कहाँ पढ़ते हैं, किसी भी अवस्था में अपवित्र पवित्रो अपवित्रो पवित्रो सर्वावस्थान गतो विवाह, किसी भी अवस्था को प्राप्त हुआ हो, यह स्मृत परमात्मा नम
जो परमात्मा का स्मरण करता है, पंच परमेश्वर का स्मरण करता है, सब भाई अभ्यंतरे शुचि, वो बाहर भी पवित्र है और अंतर में भी पवित्र है। तमोकाल मंत्र का जाप जपने वाला पवित्र है। और कैसे पवित्र है? शुचिशील जप तप से, तपश्चरण करने वाला पवित्र है, और ज्ञान से पवित्र है, और ध्यान से पवित्र है। इन पांच चीजों से परम पवित्रता है। शुचिशील जप तप ज्ञान ध्यान प्रभावते, और नित्य गंग जमुन समुद्र निहावे, अशुचि दोष स्वभावते। गंगा में बैठा रहे भले ही, या घर की टंकी के अंदर बैठा रहे, अशुचि स्विमिंग पूल के अंदर बैठा रहे, जो ये घर के अंदर ही बनवा ले भले ही, लेकिन अशुचि दोष स्वभाव से, शरीर का तो स्वभाव ही क्या है, अपवित्र है। मलमूत्र की खान है, निरंतर पसीने को और गंदगी को भाती है, कितने डाल लो इसके ऊपर, शरीर तो साफ होने वाला नहीं, पानी जरूर गंदा हो जाता है। पानी था ना अच्छा साफ, पानी मिला दो इस पानी से, और पानी पिलाओ किसी को कि साफ था ना शरीर, तो एकदम पवित्र हो गया था मिलाने से, अब एक एक बाल्टी और डाल दिया जरा सा, और वही बाल्टी वाला जो साफ होने के बाद में डाला ना बाल्टी, अब तो वो बाल्टी पानी किसी को भी पिला सकते। अरे बाल्टी कितने ही इसको मिला लो, कितने ही पवित्र हो, फिर भी शरीर का स्पर्श हुआ जल को पीना नहीं चाहता। कभी किसी को पानी पिलाना हो ना, हाथ से ले लेके पिलाओ, आदमी पानी नहीं पिएगा। वो हलवे का अपन दृष्टांत था ना, हलवा, हलवा कब तक अच्छा है? जब तक कड़ाई में तब तक। उसी हलवे को हम हाथ से ले लेके परोसने लग जाए तो लोग मना कर देंगे, नहीं घर के अंदर कोई चम्मच वम्मच थी, हाथ से नहीं लेगा कोई। और अभी तो हाथ से ही परोसा है, थोड़ा सा चक चक के। कदाचित कोई खा पी के किसी को वहीं उल्टी हो जाए क्या? जैसे जैसे जो जो शरीर के संसार में वस्तु आती है, त्यों त्यों वस्तु अपवित्र होती जाती है। अच्छे खासे कपड़े बनाते हैं, सुबह शाम तक गंदे हो जाते। कोई भी कुछ भी लगाओ इसके ऊपर, कोई माला पहनी, माला अपवित्र हो जाती है, वस्त्र आवरण सब अपवित्र हो जाते हैं। देह का स्वभाव तो ऐसा है, इसलिए देह की पवित्रता से कभी कोई पवित्र नहीं होता। शील जप तप ज्ञान ध्यान इनकी से पवित्र होता है। तो इसलिए लोक कषाय के अंदर यही है कि भैया पवित्रता धारण करनी हो तो लोक कषाय का अभाव कार्यकारी है। इतना है कि जैसे गृहस्थ है आवृत्ति, वो एक कषाय का अभाव कर सकता है, कौन सी? अनंतानुबंधी। तो अनंतानुबंधी लोक का अभाव तो फिर भी वो कर सकता है, भले ही वो तीन कषाय चौकड़ी का अभाव न कर सके, लेकिन इतनी सामर्थ्य तो प्रत्येक हम आप में, जितने भी हम यहाँ बैठे हैं, सब में इतनी सामर्थ्य है कि अनंतानुबंधी लोक का त्याग कर सकते हैं। और अनंतानुबंधी लोक क्या है वास्तव में? कि पर वस्तु को, पर वस्तु में जो सुख बुद्धि है, और पर वस्तु मेरी ऐसी जो बुद्धि है, ये वास्तव में अनंतानुबंधी का लोक है। पर वस्तु के प्रति ममकार बुद्धि मेरी है और पर वस्तु से मुझे सुख मिलेगा, ऐसी जो बुद्धि है, इसका नाम अनंतानुबंधी जाति का लोभ है। और अपने तो इतना भी अभाव हो जाए कि पर पदार्थों में सुख बुद्धि भी नष्ट हो जाए, तो समझ लेना कि अपना कुछ काम हो चुका, कुछ काम मतलब आगे बढ़ा। वो मुनिराज है, उनके तीन कषाय चौकड़ी का अभाव होता है, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यान। ठीक है, इस प्रकार अपनी ये लोक कषाय की चर्चा हुई। इसके अंदर थोड़ी सी चर्चा और बाकी बची है। देखो कषाय के भेद तो अपन ने किए ही थे, इसके बाद में 16 कषाय, 16 कषायों की परिभाषा इसे अपन कर चुके हैं। अब देखो आगे चलते हैं, फिर ये एक एक कषाय क्या नहीं होने देती, और ये अनंतानुबंधी कषाय का थोड़ा सा लक्षण दिया है। देखो अनंतानुबंधी क्रोध स्थूल रूप से घटाए, अपने आत्मा की, अपने स्वयं की बात भी नहीं सुनाना, सुहाना। देखो क्रोध के अंदर एक चीज होती है कि जिसके प्रति हमें क्रोध होता है उसकी बात भी हमको नहीं सुहाती। जिसके जिसके प्रति किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो जाए, वो लोग सुलह करवाने आए, भैया एक बात के लिए, ना क्यों, आप आराम से बैठो। आराम से बैठा आदमी, उसको घर पे अच्छा खासा चाय नाश्ता वगैरह सब हो रहा है बढ़िया, और जैसे ही उसने उसका नाम लिया कि भैया मैं उसके बारे में बात करने आया हूँ,
कि तू निकल जा अभी यहाँ से। ये कब तक है? जब तक उस आदमी का नाम नहीं लिया गया तब तक। जिसका जिसके प्रति क्रोध होता है उसका हम नाम भी नहीं सुनना चाहते। चर्चा तो बहुत दूर की बात है कि उसके बारे में हम चर्चा भी करें। ये तीव्र कषाय का प्रतीक है ना। तो ऐसे हमें निज आत्मा के प्रति अरुचि हो तो आत्मा की चर्चा नहीं सुहाएगी, शरीर की चर्चा सुहाएगी। शरीर को कैसे पुष्ट रखना, शरीर का कल्याण कैसे हो, शरीर कैसे अच्छा स्वस्थ रहे, शरीर के शिविर के लिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। अपन एक शिविर चालू करो इसका, स्वास्थ्य शिविर। क्या कोई भी दूसरे फील्ड का, कोई टेक्निकल है, मेडिकल है, क्या कोई आर्ट का है, उसके शिविर को देखो आप। तो हमें रुचि किसकी है? पर की रुचि है। और अनंतानुमंदी क्रोध यही है कि अपनी रुचि नहीं होना और पर की रुचि होना, इसी का नाम है अनंतानुमंदी क्रोध। अपने प्रति इतनी भयंकर अरुचि है कि हम अपने हित की बात, अपने स्वयं आत्मा की बात सुनना भी पसंद नहीं करते। अनंतानुबंधी क्रोध, ये अच्छा प्रश्न किया। देखो अनंतानुबंधी कषाय में उदय तो एक का ही होता है ना, क्रोध मान माया लोक का। वो बंद भी चालू है, बाय वन और गेट फोर है। बंद और उदय अलग अलग चीज है। उदय एक ही कषाय का होता है एक काल, चारों का उदय नहीं होगा। क्रोध का उदय होगा तो मान का नहीं होगा, माया का लोक का नहीं होगा। लोक का होगा तो बाकी तीन का नहीं होगा। क्योंकि आदमी किसकी सुनेगा, लोक की सुने कि मान की सुने कि क्रोध की सुने? तो जीव के कषाय उदय में, मैंने कषाय का भाव तो एक काल में एक ही होता है, लेकिन जो कषाय बंधती है, कषाय रूपी जो कर्म बनता है, वो चारों बनते हैं। आप चाहे क्रोध करो, चाहे मान करो, चाहे माया करो, चाहे लोभ करो, कोई भी कषाय का भाव करो, लेकिन बंधेगी चारों ही कषाय। और दूसरी एक चीज और सुनो कि अनंतानुबंधी कषाय का उदय चारों का एक साथ जाता है। अप्रत्याख्यानारण का उदय भी चारों का एक साथ जाता है, प्रत्याख्यानारण का उदय भी एक साथ जाता है। उदय माने इनका उदय नष्ट होगा तो चारों कषाय नष्ट होगी, तो चारों एक साथ नष्ट होगी। अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान। और संज्वलन के साथ ऐसा नहीं। संज्वलन में सबसे पहले क्रोध जाता है, फिर संज्वलन में फिर मान, फिर संज्वलन माया, और आखिरी में संज्वलन लोभ जाता है। समझ में आ रही कुछ बातें? नहीं आ रही। चार प्रकार की कषाय होती है ना, अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन। तो चारों की चार चार बताई थी, एक एक की चार चार सोलह, ऐसे एक एक की चौकड़ी बताई थी ना। तो अनंतानुबंधी चौकड़ी का उदय और अनंतानुबंधी चौकड़ी का बंद, अनंतानुबंधी चौकड़ी की सत्ता, ये सब एक साथ जाते हैं। उदय भी अनंतानुबंधी का एक साथ चला जाएगा, अब अनंतानुबंधी का बंद भी एक साथ चारों का मिट जाएगा, अनंतानुबंधी की सत्ता भी चारों की एक साथ नष्ट हो जाएगी। ऐसे ही अप्रत्याख्यानारण के साथ है, ऐसे ही प्रत्याख्यानारण के साथ। इन संज्वलन का ऐसा नहीं है। संज्वलन, क्रोध, मान, माया, लोभ क्रम से जाता है, इनका बंद भी क्रम से जाता है, इनकी सत्ता भी क्रम से जाती है। समझ में आ रही है? सत्ता भी क्रम क्रम से जाएगी, साथ में चारों एक साथ। चारों का द्रव्य अप्रत्याख्यानारण, प्रत्याख्यानारण और संज्वलन में विसंयोजित हो जाता है, मैंने चारों को अनंतानुबंधी पूरी अन्य में पलट जाती है, चारों की चारों, और वो अपने आप को नष्ट हो जाती है। तो पूरा अपन कर्म पढ़ेंगे तब आएगा उसमें। तो अभी इसके बाद में अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी मान का काम क्या है? फल को अपना मानना और उसके निमित्त से अपना नाप करना। अनंतानुबंधी माया, जैसा अपना स्वरूप है वैसा न मानकर अन्य रूप मानना। अनंतानुबंधी लोभ, पर वस्तु को अपनी मानना, पर वस्तु मेरी थी है और पर वस्तु को अपनाने का भाव होना। और पर वस्तु सबसे वाली बात तो है कि पर वस्तु मेरी हो सकती है ऐसी मान्यता, और पर वस्तु से मुझे सुख मिलता है ऐसी मान्यता, ये सब अनंतानुबंधी लोभ है। इसके बाद में नौ कषाय के नाम है। नौ कषाय में अपन ने भेद किए थे, राग रूप कितनी है, द्वेष रूप कितनी है, सब हो गया अपना। कुल कितनी कषाय राग रूप है? 25 कषाय ना, 25 में से कितनी राग रूप है? इसमें लिखी है नीचे, देखो 13 कषाय राग रूप है और 12 कषाय द्वेष रूप है। कौन कौन सी 13 राग रूप है?
देख देख के बता दो कौन सी कषाय कितनी कषाय राग रूप है। एक जना बता दो, कोई बताओ, कौन हाथ खड़ा करके बताए, बता। यह देख के बता दे, बिना देखे भी बता सकता है तेरा कषाय राग रूप कौन कौन सी है, बताओ। क्रोध और मान राग रूप है, क्रोध में राग होता है, नहीं राग रूप पूछा मैंने, राग रूप कौन कौन सी कषाय, हाँ बताओ। अच्छे हाँ आठ दस तीन ये हो तेरा, अब बारह द्वेष रूप बता दो, बारह द्वेष रूप कषाय कौन कौन सी है बताओ पीछे से। अंचोली जी हाँ चलो बताओ, आपके आगे वाले से पूछा था सर, चलो आगे वाले बता दो बिना देखे, बिना देखे बताओ उसमें क्या है कषाय के नाम तो याद होंगे, द्वेष कौन कौन सी है, हाँ आठ रति नहीं अरति शोक और जुगुप्सा और भय, चलो कौन बिना देखे बताएगा बारह कषाय के नाम जो द्वेष रूप है, मन में नहीं हाथ खड़ा कर दो बस आप तो, हाँ बताओ अभी माया राग में कि द्वेष में, हाँ बताओ माया नहीं, माया क्लियर नहीं हो रहा मतलब एकदम, मान चार क्रोध, हाँ बताओ भाभी जी कुछ, भाई भाई जी सर ठीक है, ये बारह कषाय द्वेष रूप है। अब देखो इसमें एक एक पॉइंट पर बचा है, कषाय होती क्यों है सबसे मेन कारण, कषाय उत्पन्न क्यों होती है, ये तो समझ में आया कषाय बुरी चीज है, लेकिन सबसे पहला चीज तो ये कि उत्पन्न क्यों होती है, पैदा ही क्यों होती है, बीमारी अच्छी चीज नहीं है, कोई आदमी बीमार नहीं होना चाहता, ऐसे कषाय तो कोई नहीं चाहता, कोई चाहता है गुस्सा होए, पता गुस्सा कौन चाहता है अपने बैठे वालों में, कोई है क्या जो गुस्सा चाहता हो, गुस्सा घमंड छल कपट लालच, तो कषाय को बुरी तो कई लोग मानते हैं, जैसे बीमारी तो हर आदमी मानता है कि भाई बुरी चीज़ है बीमारी नहीं होना चाहिए, लेकिन अब बीमार कोई इच्छा करके तो ही नहीं होता, कोई आदमी चाह के होता है कि बीमार पड़ूँ, बीमारी बुरी सबको लगती है लेकिन फिर भी आदमी बीमार हो ही जाता है, ऐसे कषाय बुरी तो है लेकिन ये उत्पन्न हो जाती है, तो क्यों उत्पन्न हो जाती है, इसकी उत्पत्ति का कारण क्या है, तो वो उत्पत्ति का कारण दिया है कि सबसे पहले तो जैसे क्रोध के ऊपर लगाया, कि क्रोध में जब हम ये मानते हैं कि सामने वाले व्यक्ति ने हमारा बुरा किया तो हमें क्रोध होता है, क्रोध की उत्पत्ति का मेन कारण परद्रव्य को अपने बुरे का जिम्मेदार मानना, और अब ये बात ही बिल्कुल मिथ्या है, ये मिथ्या भाव है, कौन सा भाव कि सामने वाले व्यक्ति ने हमारा बुरा किया है, ये बात बिल्कुल झूठी, तो हमारे क्रोध का जो आधार है वो बिल्कुल झूठ है, मिथ्या मान्यता क्रोध, मिथ्या मान्यता के कारण वो क्रोध उत्पन्न हो रहा है, कौन सी मिथ्या मान्यता, दूसरा हमारा बुरा करता है, असली बात क्या है दूसरा बुरा नहीं करता है, कौन करता है हमारा बुरा, हमारा पूर्व का बांधा हुआ स्वयं का पाप कर्म वो हमारा बुरा करता है, और हम किसको मान रहे हैं बुरा करने का कारण, किसको मान रहे हैं अन्य को, तो अन्य को मानते हैं और इसलिए हमको उसके ऊपर क्रोध उत्पन्न होता है, हम अपनी गलती को देखते नहीं और दूसरे को अपराधी मानते हैं, अपने दोष का अपने दुख का कारण दूसरे को मानते हैं, तो इसलिए हमें क्रोध उत्पन्न होता है। यदि हम हर चीज में अपने कर्म को याद करें और ये विचार करें कि ये सब अपने पूर्वोपार्जित कर्म का उदय है तो कभी सामने वाले व्यक्ति के ऊपर क्रोध उत्पन्न नहीं होगा, तो पूजनकार ने भी यही किया है, जो कर्म पूर्व किए खोटे सहे क्यों ने जी, जो अपने बांधे हुए कर्म को क्यों नहीं तो सहन करता है, अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी सामने जल जाए, तो क्रोध की उत्पत्ति का कारण अपनी मिथ्या मान्यता है, कौन सी मिथ्या मान्यता कि इसने मेरा बुरा किया, बस जब तक हम ऐसा मानते रहेंगे तब तक हमें क्रोध आए बिना रहेगा ही नहीं, तुम कितने उपाय कर लो,
कई लोग कई उपाय करते हैं कि साहब जब गुस्सा आए तो ये करना चाहिए और वो करना चाहिए और वो करना चाहिए, कोई उपाय नहीं, गुस्सा आ गया ना, अब आ गया अपन तो ये बात करें कि वो आए नहीं, आने के बाद में क्या नाश करना, उसको तो जो चीज़ हो ही गई पैदा, वो अगले समय पैदा ना हो, अगले समय उत्पन्न ही ना हो, यही उसके नाश का उपाय है। उत्पन्न होने वाली चीज़ को क्या नष्ट करोगे, जो चीज़ आ चुकी है वो नष्ट नहीं होती, वो तो पर्याय भी आ गई उस पर्याय में, तो अब आगे की पर्याय में उत्पन्न ही नहीं हो, उपाय तो ये करना पड़ेगा ना, तो उत्पन्न नहीं हो इसका उपाय है, मतलब कषाय के नाश करने का उपाय यही है कि कषाय उत्पन्न ही न हो। अपन क्या करते हैं, कषाय के दबाने का उपाय करते हैं, कषाय प्रकट न हो, कषाय बाहर में दिखे नहीं, कषाय व्यक्त ना हो, ये उपाय करते हैं, कषाय उत्पन्न नहीं हो ये उपाय नहीं करते। जैसे अपने गुस्सा खूब आता है तो किसी ने अपने को इलाज बताया कि काम करा करो, जब भी तुमको गुस्सा आए तो तुम अपने मुंह में पानी भर जाओ बस खूब, और एक एक चीज़ ध्यान रखना, पानी अंदर नहीं जाना चाहिए, यदि एक जरा सा भी अंदर गया तो फिर वो असर नहीं करेगा, मुंह में लेना चित्र हो जाए पानी, मुंह भर लिया पानी, गुस्सा आ रहा खूब, क्या करें, ऐसे मुंह से थूक तो सकता नहीं ना किसी के ऊपर, अंदर भी नहीं निकल सकता, बस थोड़ी देर बीत गई, अपने आप सामने रहा, ठंडा हो गया, और ये भी थोड़ी देर में इसके पानी चला गया, लेकिन वो कोई सच्चा उपाय नहीं है, वो सब टेम्प्ररी उपाय है, असल में तो उसके प्रति क्रोध उत्पन्न हो गया यदि, तो भले ही उस समय नहीं निकले लेकिन अंदर ही अंदर बैठा रहेगा, तो आज नहीं तो कल निकलेगा, अंदर में कषाय उत्पन्न ही नहीं हो उपाय तो ये सच्चा है, और वो उपाय कषाय उत्पन्न तभी नहीं होगी जब हम तत्वज्ञान का अभ्यास करेंगे और तत्वज्ञान को लगाएंगे कि भाई सामने वाले ने क्या किया, जब हम उसके प्रति कषाय करें, किया तो हमारे कर्म ने, हमारा उसके प्रति गुस्सा करना बिल्कुल बेवजह का है, बिल्कुल बिना मतलब का, बेफालतू का, सामने वाला कुछ नहीं किया, सचमुच सामने वाला जीव तो केवल निमित्त मात्र है, असल में तो हमारे कर्म का उदय है, और नहीं मानते यदि अपने कर्म का उदय तो अभी अपने यहाँ बैठे हैं ना, खाए के लिए बैठे, अच्छे कर्म मानने के लिए बैठे, यदि अपने को ऐसा लगता है कि कोई दूसरा ही कुछ करता है तो काय के लिए तुम खोटे भाव से बचने का उपाय करते हो और अच्छे भाव करने, अच्छी चीज करने के लिए काय के लगे हुए, सामने वाले व्यक्ति को ठीक करो, फिर कर्म की काय की चिंता करते हैं, हम यहाँ कर रहे हैं, हम ये मानते हैं ना कि अच्छे भाव करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, खोटे भाव करेंगे तो खोटा फल मिलेगा, तो करने वाला कौन है, अपने भाव, कोई व्यक्ति करने वाला भाव है, तो फिर सामने वाले व्यक्ति को मानना बिल्कुल व्यर्थ है। ऐसे जब हम ये मानते हैं कि दुनिया की वस्तुएं मेरी है, मैं इनका स्वामी हूँ, तो मान हो जाता है फालतू का, ये भी इसकी इसका भी जो आधार है वो बिल्कुल मिथ्या मान्यता है। कषायों को जो पानी देने वाला है, कषायों की जो फाउंडेशन है, जो नींव है कषाय की, वो मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व गया फिर कषाय के पेड़ पावर टिक नहीं पाते, इसलिए अपन ने पहले ही कहा था मिथ्यात्व सब चीज़ों की जड़ है, पांच पापों की जड़ है, ये कषायों की जड़ है, हर चीज की जड़ क्या है, खोटी मान्यता, उल्टी मान्यता। जैन दर्शन में सबसे पहले मान्यता पे चोट किया है, यदि मान्यता उल्टी रहेगी तो कषाय नष्ट होने वाली नहीं है। तो मान की मान्यता क्या कही, कि जब तक हम मानेंगे कि दुनिया की वस्तुएं मेरी है, मैं इनका स्वामी हूँ, तो मान लगता है क्या अपनी, होती अपनी और अपन उसको मानते कि ये मेरी है तो अपना मान करना वाजिब था, लेकिन वो हमारी है नहीं, हम उसको अपना मानते हैं, उससे अपने को बड़ा मानते हैं, तो ये झूठ है, क्योंकि हम वो हमारी है ही नहीं, तो उसके निमित्त से अपने को बड़ा भी कैसे माना जा सकता। यदि छल कपट से जब ये मानते हैं कि हमारे जितने भी काम सिद्ध होंगे वो कैसे होंगे, छल कपट करने से, बिना छल कपट के पैसा नहीं आएगा, हम छल कपट करते हैं, जबकि पैसा कैसे आता है, कोई भी कार्य भी सिद्ध होता है कैसे सिद्ध होता है, छल कपट से सिद्ध होता है कि पुण्य के उदय से, कार्य होता है पुण्य के उदय से सिद्ध, हम क्या मानते हैं, छल कपट से, इसलिए छल कपट करते हैं। जब हमारे चित्त में बात बैठेगी कि छल कपट से कार्य सिद्ध नहीं होते, कार्य तो अपने पूर्ण पुण्य के उदय से होते हैं, और छल कपट से तो उल्टा पाप का बंद होता है, तो स्वयं में छल कपट उत्पन्न ही नहीं होगा। ऐसे लोभ क्यों होता है, लोभ में एक तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, कई लोग तो लोभ को अच्छा मानते हैं कि खूब लालच करेंगे, एम्बिशन खूब होंगे तो चीज आएगी। आपको मालूम छह जो चक्रवर्ती होते हैं, चक्रवर्ती कोई एम्बिशन नहीं रखते, तो चक्रवर्ती के आयुधशाला में चक्र अपने आप उत्पन्न होता है, नारायण के चक्र अपने आप आता है, रामचंद्र जी ने कभी इच्छा नहीं की थी कि मेरे को तीन खंड का राजा बनना है, लक्ष्मण ने कभी इच्छा नहीं की थी,
अपने आप चलते जी। जितने महापुरुष हुए ये न कोई खूब अपने अंतरंग में महत्वाकांक्षी होते, न कोई पैसे के लिए कोई दौड़ भाग के, मतलब कोई आज तक कमा के कोई चक्रवर्ती नहीं बनता, ये सब पूर्वकृत पुण्य के फल को भोगते हैं। संसार में सारी पदवियाँ वो पहले के पुण्य का फल है। इसलिए जो ये मानते हैं कि खूब लालच करने से पैसा आता है, बल्कि लालच करने से नहीं आता, पैसा आता है पुण्य के उदय से, और संतोष से पुण्य बंद होता है, धन उससे आता है, धन लालच करने से नहीं आता। धन की लालच तो पूरी दुनिया करती है, निर्धन लोग धन का कम लालच करता है, गरीब आदमी भिखारी के पैसे का कम लालच है। लालच से यदि पैसा आता तो दुनिया में सभी लालच कर रहे हैं, सबके पास पैसा हो जाता है। इसलिए अपने कषाय की जो उत्पत्ति का मूल कारण है वो उल्टी मान्यता है, मिथ्यात्व है, और मिथ्यात्व के कारण पर पदार्थ अपने को अच्छे बुरे भी मालूम पड़ते हैं। एक और कारण दिया कि मिथ्यात्व ने उल्टी मान्यता से हमें पर पदार्थ कोई अच्छे प्रतीत होते हैं, कोई बुरे प्रतीत होते हैं। पर पदार्थ में तो अच्छा बुरा है नहीं, लेकिन मिथ्यात्व के कारण ऐसी बुद्धि होती है, कोई अंदर अच्छे की कल्पना करते हैं और कोई में बुरे की कल्पना करते हैं। जिसमें अच्छे की कल्पना करते हैं उसकी प्राप्ति की अभिलाषा करते हैं, उसका लोभ करते हैं, जिसमें बुरे की कल्पना करते हैं उसको दूर करने की इच्छा करते हैं, उसके प्रति क्या करते हैं क्रोध करते हैं कि करते हैं। तो दो मिनट में छोड़ने वाला हूँ, अपने बाद चैप्टर पूरा करना है। माने हम जो है मिथ्यात्व के कारण पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट मानते हैं, ये वस्तु अच्छी है और ये चीज बुरी है। संसार में कोई चीज अच्छी बुरी है नहीं, लेकिन मिथ्यात्व के कारण वस्तुओं में अच्छे बुरे की कल्पना उत्पन्न होती है, और कल्पना भी उत्पन्न हुई वहां तक भी ठीक है, लेकिन जिसमें अच्छे की कल्पना होती है उसकी प्राप्ति की इच्छा होती है, जिसमें बुरे की कल्पना होती है उसको दूर करने की इच्छा होती है, तो स्वयं में वो कषाय उत्पन्न होती है। इसको नाश करने का उपाय क्या है? तो एक ही उपाय दिया हूं, कषाय मिटाने का उपाय है तत्व ज्ञान का अभ्यास, तत्व ज्ञान का अभ्यास और तत्व ज्ञान का अभ्यास। फिर मुझे पूछे तो मैं 100 बार में एक ही उत्तर रिपीट करूंगा, कौन सा? तत्व ज्ञान का अभ्यास, इसके अलावा कोई उपाय नहीं। जितना अधिक तत्व ज्ञान होगा उस तत्व ज्ञान के अभ्यास से पदार्थों में इष्ट अनिष्ट पने की बुद्धि मिटेगी, अच्छे बुरे की कल्पना मिटेगी, अच्छे बुरे की कल्पना मिटेगी तो स्वयमेव पदार्थों में क्रोध और लोभ मान और माया वो अपने आप समाप्त होंगे। क्योंकि ये पदार्थ जब हमें तत्व ज्ञान के अभ्यास से इष्ट अनिष्ट प्रतीत ही नहीं होंगे तो न किसी वस्तु की प्राप्ति की इच्छा होगी, न किसी को दूर करने की इच्छा। भगवान जिनेन्द्र है, भगवान जिनेन्द्र पूरे लोकालोक को जानते हैं, लेकिन किस वस्तु में वो इष्ट अनिष्ट की कल्पना करते हैं? जैनी लोग बहुत इष्ट लगते हैं उनको कि जैनी लोग इतने भी बहुत अच्छे हैं, और अजैनी लोग तो सब अपने भक्त लोग अच्छे, भक्तों के प्रति प्रेम और दुष्टों के प्रति द्वेष, ऐसा वीतरागी भगवान करते हैं? नहीं करते। इसीलिए वो अकषायी है, सबको देखते जानते तो हैं लेकिन किसी में इष्ट अनिष्ट की बुद्धि उनके उत्पन्न नहीं होती, और इसी कारण उनके कषाय नहीं होती। और हम क्या करते हैं, देखते जानते ही नहीं है, देखने जानने के बाद में उसमें इष्ट अनिष्ट की बुद्धि करने लगते हैं, और इष्ट अनिष्ट की बुद्धि होती है तो कषाय उत्पन्न हुए बिना रहती है। अच्छा, कषाय के कषाय उत्पन्न हो गए वहां तक तो ठीक है, कषाय की पूर्ति होना अपने कर्म के आधार। जैसे अपन क्रोध किया, मान किया, माया किया, लोभ किया, तुमने लोभ तो किया मैंने वस्तु की प्राप्ति की इच्छा की, लेकिन वो होना नहीं होना, प्राप्ति होना नहीं होना कर्मोदय के आधीन। सामने वाले पे क्रोध किया लेकिन क्रोध की पूर्ति हो जाना वो नहीं होना उसके कर्म के आधीन है, तो कह रहे तुम्हारा कषाय करना तो बिल्कुल बेकार है ना, तुम ये जो चाहते हो कि सामने का बुरा हो जाए वो तो होता नहीं, उसका बुरा उसके पाप के उदय से होता है। तुम ये चाहते हो मेरे पास धन आ जाए तो धन आता है अपने पुण्य के उदय से, तो तुम्हारा कषाय करना तो बिल्कुल बेकार है। क्या ये मिथ्या है? इसलिए तो ये कषाय करना बेकार है। तो ये बेकार अपने को लगेगा कब? हम जब तत्व ज्ञान का अभ्यास करेंगे, जिनवाणी का अभ्यास करेंगे, तत्व का अभ्यास करेंगे तो सहज ही हमको पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट की बुद्धि मिटेगी और कषाय उत्पन्न ही नहीं होगी। अंतिम अपने पास में स्लाइड, अपन ने इसकी बात की कौन सी गति में कौन सी कषाय की मुख्यता, कौन कौन सी गति में बताओ, ये तो सबको याद हो गया होगा। नरक में तिर्यंच में माया, मनुष्यों में मान और देवों में। बाकी अपन अगली बार सोमवार से अपन गति का पाठ चालू करेंगे। सब अपने अपने जो नोट्स ले जा रहे हैं वो नोट्स सब लेके आए, और जिनको नोट्स नहीं मिले हो तो वो बाद में उनको नोट्स भी दे देंगे।